मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वरुण धवन और सारा अली खान की अपकमिंग फिल्म कुली नंबर वन का ट्रेलर 28 नवंबर को रिलीज होगा। दोनों सारा और वरुण ने कुली नंबर वन का प्रमोशन शुरू कर दिया है। आमिर खान की बेटी इरा खान एक बार फिर से हेडलाइंस में है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको अपने पिता आमिर के कोच नूपुर शिखारे से प्यार हो गया है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बीच दोनों की नजदीकियां बढ़ी। शाहरुख खान अपनी अगली फिल्म पठान की शूटिंग कर रहे हैं और इस बीच वो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर नजर आए। हालांकि शाहरुख खान ने पूरे एहतियात बरतते हुए खुद को एक हुडी और मास्क के पीछे छिपाने की कोशिश की। शाहरुख खान की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। बेटी श्वेता नंदा और वाइफ जया बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन ने शूट किया विज्ञापन। सोशल मीडिया पर फैमिली फोटो शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, फैमिली एट वर्क। अमिताभ बच्चन ने परिवार के साथ शूटिंग करते हुए फैमिली टाइम भी एंजॉय किया। करीना कपूर खान ने इंस्टाग्राम पर तैमूर संग फोटो शेयर कर भाई अरमान जैन को किया बर्थडे विश। आलिया भट्ट और रिधिमा कपूर ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अरमान को किया बर्थडे विश। वही बर्थडे मनाने अरमान उनकी वाइफ अनीसा मल्होत्रा के साथ मालदीव ट्रिप पर गए हुए हैं। अरमान ने मालदीव से कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म दुर्गामती का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में मुख्य भूमिका में भूमि पेडनेकर नजर आएंगी, जो एक डरावने किरदार में दिखाई दे रही है। ये फिल्म Amazon प्राइम वीडियो पर 11 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। इस ट्रेलर को दर्शकों से मिला मिक्स्ड रिस्पॉन्स। फैन ने अपने बेटे को दिया ऋतिक रोशन का नाम, वजह है उसकी 6 उंगलियां। ट्विटर पर ऋषिकेश एंगोम नाम के एक फैन ने बेटे के हाथ की फोटो शेयर कर खुशी जताई। उन्होंने लिखा, कहो ना प्यार है के वक्त से ही ऋतिक का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, यहाँ तक कि मैंने अपने नाम में एच जोड़ लिया। पहले मैं अपना नाम ऋषिकेश लिखता था। कल मेरे यहाँ बेटे का जन्म हुआ। आज मैंने उसके अंगूठे को देखा और उसका नाम ऋतिक सर के नाम पर रख दिया। हाल ही में एक सोशल मीडिया यूजर ने तापसी पन्नू को ट्रोल करने की कोशिश की तो तापसी ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया और उसका स्क्रीनशॉट भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। एक यूजर ने तापसी को फालतू हीरोइन बोलते हुए कहा कि वो फिल्मों में एक्टिंग नहीं कर सकती। इसका जवाब तापसी ने स्क्रीनशॉट के ऊपर लिख दिया है। तापसी ने लिखा, सही बात है, क्या उठा उठा के, क्योंकि उठाया तो मैंने स्टैंडर्ड, लेकिन आपको शायद नहीं समझ आए। वरुण धवन ने उन खबरों को अफवाह बताया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि स्कैम 1992 में हर्षद मेहता के किरदार के लिए प्रतीक गांधी के बजाय वह पहली पसंद थे। दरअसल तौहिद नाम के एक शख्स ने ट्विटर पर लिखा है कि स्कैम 92 के लिए वरुण पहली पसंद थे। वरुण ने ट्वीट कर कहा कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। वरुण ने लिखा, वास्तव में इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं मानता हूँ कि इस शो के लिए एकमात्र पसंद प्रतीक गांधी ही हो सकते हैं। वो वाकई ब्रिलियंट है। स्कैम 92 का बड़ा फैन हूँ। पुलकित सम्राट से शादी को लेकर कृति खरबंदा ने किया खुलासा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कृति ने बताया कि उन्होंने कभी शादी के बारे में डिस्कशन नहीं की है और ना ही वो और पुलकित का फिलहाल शादी करने का कोई इरादा है। दोनों अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने वाले है, शादी के बारे में बाद में सोचेंगे। खबरों के मुताबिक ये दोनों पिछले 1-1.5 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है।